अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना। आज मैं बनाऊंगी बिरयानी। बिरयानी के लिए मैंने खरगोश का गोश्त लिया है 1 किलो, बासमती चावल लिए हैं मैंने 1.5 गिलास, इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। नमक लिया मैंने चावल बॉईल करने के लिए 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा लिया है, 3 बादियान के फूल लिए हैं मैंने, 1 पैकेट मैंने बिरयानी मसाला लिया है, 1 प्याली दही ली है, 2 नींबू लिए हैं, 2 टमाटर, 6-7 सब्ज मिर्ची, अदरक लहसुन को डालकर मैंने ब्लेंड कर लिया है, 4 बड़ी प्याज को मैंने इस तरह स्लाइस के अंदर काट लिया है। पहले मैं चावल बॉईल कर लूंगी। चावल बॉईल करने के लिए मैं बड़ी एक देगची ली है, उसके अंदर मैंने 2 जग पानी डाल के बॉईल किया है। पानी के अंदर मैंने 2-3 चम्मच सब्ज पुदीना डाला है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर नमक, 3 बादियान के फूल डाले मैंने, 1 चम्मच जीरा डाला है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैं चावलों के अंदर 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। अब मैं चावलों को बॉईल करूंगी। चावल बॉईल हो चुके हैं, अब मैं इनका पानी छान लूंगी। फ्लेम मैंने बंद कर दी है। एक बड़ा पतीला लिया है मैंने, फ्लेम ऑन कर दिया। मैं डालूंगी इसके अंदर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाला मैंने 1.5 कप। ऑयल गर्म हो चुका, मैं डालूंगी प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूंगी चावलों के ऊपर डालने के लिए। अब मैं इसके अंदर खरगोश का गोश्त डाल दूंगी। अब मैं गोश्त को 2-3 मिनट फ्राई कर लूंगी प्याज के साथ। गोश्त को प्याज के साथ मैंने 3-4 मिनट फ्राई कर दी है। मैं डाल दूंगी इसके अंदर बिरयानी मसाला, साथ ही डाल दूंगी टमाटर, सब्ज मिर्च का पेस्ट। गोश्त को मसाले के साथ मैंने 6-7 मिनट भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। पानी डालकर मैं इसे ढक दूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। पानी डालकर मैंने गोश्त को गला दिया है, पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर दही। अब दही डालकर मैं इसे भून दूंगी। दही डालकर मैंने 6-7 मिनट गोश्त को भून दिया है। दही का पानी खुश्क हो चुका है। मैं डालूंगी इसके ऊपर चावल। मैं डाल दूंगी इसके ऊपर जरदा रंग। अब मैं इसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज डाल दूंगी, थोड़ा सा पुदीना और 4-5 सब्ज मिर्ची इस तरह से कट लगाकर। अब मैं इसे ढक दूंगी और फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। इसे 6-7 मिनट में दम पे रखूंगी। बिरयानी को दम पे रखे हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम मैंने बंद कर दिया। अब मैं निकालूंगी इसे प्लेट में। बिरयानी मैंने प्लेट में निकाल ली है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।